हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पहले की तरह NFT का अमेजिंग और यूनिक प्रोजेक्ट लाया हूं, जिसका नाम है TUD NFT। तो मेरा आज का प्रोजेक्ट है TUD NFT। तो बाकी इसकी NFT देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की और 3D NFT इसकी बनाई गई है। तो अगर आप इसकी NFT को होल्ड कर लेते हैं, तो परचेज करके रख लेते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा फ्यूचर में भी। बाकी हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, आप इसके NFT को किस तरह परचेज कर सकते हैं, किस तरह आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप एंड तक वीडियो मेरी देखिएगा, आपको मुकम्मल इसके बारे में तफसील से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं TUD NFT। TUD इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, स्ट्रीट फैशन एंड क्रिएटिव इम्पल्सिस। यू कैन सी योर सेल्फ इन इट। द अगली डक हैज नाउ स्टार्टेड द कास्टिंग होल्डिंग रिवार्ड प्लान एंड देयर आर मोर इन्वाइटेड रिवार्ड वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे आप इसका रिव्यू कर सकते हैं कि इसके NFT को किस लिहाज से बनाया गया है, तो मुकम्मल यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी सोशल मीडिया में क्या है, YouTube, Twitter, Telegram, Discord और Binance वगैरह, यहाँ पे इसके देख आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप इसको फॉलो करके भी बहुत ज़्यादा जो इसके गिव अवे हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वैलेट को कनेक्ट कर लेना है, जो कि MetaMask वैलेट है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कनेक्ट वैलेट, तो मैंने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो MetaMask को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो बाकी भी हम इसके बारे में बताएंगे, वेलकम मिंट कलेक्शन और अर्निंग के बारे में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम दोबारा नीचे चलते हैं, तो नीचे देख सकते हैं वेलकम टू द अगली डक। तो अ यूनिक 3D NFT सेट एज कम्पोज ऑफ 10,000 डक्स क्लासिफाइड बाय रेरिटी इज जनरेटेड बाय 100 ऑफ एलिमेंट्स। एवरी अगली डकलिंग कैन एक्सपोज यू टू इनक्रेडिबल थिंग्स। द 2022 फाउंड्री होल्डिंग NFT अवार्ड प्रोग्राम इज इन इट प्रोग्रेस। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, नोविस बेनिफिट लॉटरी एंड कस्टिंग वगैरह, इसके बारे में भी आप रिव्यू, बाकी यहाँ पे इसकी 3D NFT देख सकते हैं। इसके साथ साथ दी अगले डक जो इसकी NFT के बारे में परचेज किस तरह करना है, उसके बारे में भी बताएंगे। दी NFT होल्डर इंजॉय अकुमुलेटेड बोनस इनकम। यू कैन ऑल्सो गेट होल्डिंग रिवार्ड बाय एक्सेप्टिंग NFT ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप जो इसकी फ्री NFT है वो आप किस तरह परचेज करेंगे, आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने कस्टमर सर्वर से भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि वाइट लिस्ट होंगे, वो यहाँ पे इसकी जो NFT होगी वो परचेज कर सकेंगे। तो इसी तरह हमने दी अगली डक जो कि प्राइस देख सकते हैं 0 है, तो यहाँ पे हम इसको मिंट करेंगे, वो हमने किस तरह करना है वो हम आपको करके बताएंगे। इसके साथ साथ दोबारा नीचे चलते हैं, दी अगली डक NFT TUD NFT क्लब के बारे में देख सकते हैं, जो हमने आपको पहले बताया है। TUD NFT कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट फैशन एंड क्रिएटिव इम्पल्स। TUD NFT विल बी लॉन्च इन द क्लब एंड यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन वेरियस क्लब NFT होल्डिंग रिवार्ड। तो आप इसको होल्डिंग रिवार्ड कर सकते, देख सकते हैं कमाल की 3D NFT है, तो आप इसका रिव्यू कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जो बेनिफिट है, इसकी NFT वगैरह को हम किस तरह परचेज कर सकते हैं, जो इसकी फ्री वाली NFT है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले जो उसको हम मिंट करेंगे, तो मिंट करने के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो पेमेंट मेथड होगा, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे BUSD वगैरह हो गए, USDT आप जिसको मर्जी चेंज कर सकते हैं, BNB भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसी तरह इसको कंफर्म कर सकते हैं, बी पेशेंट एंड टू नॉट क्विट। तो यहाँ पे इसी तरह कुछ देर में ये हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे जो इसका कस्टमर सर्विस, तो आप टेलीग्राम पे जाके कस्टमर सर्विस से भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। तो ये आपको भी जो NFT परचेज किस तरह करनी है उसके बारे में भी ये आपकी हेल्प करेगा, किस तरह आपने इसको परचेज करना है। तो आप इसी तरह आप इसको जो है ना अगली टैग प्राइस जो आप इसको फ्री में हासिल कर सकते हैं। जो आप मेथड किस तरह करना है वो आप मेथड हमने आपको USDT PUSD के जरिए जिसमें बैलेंस वो कर सकते हैं, बाकी कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करके आप इसको किस तरह आप हासिल करना है वो आपको कस्टमर सर्विस के ज़रिए वो आपको बता देंगे, आपने किस तरह इसको परचेज़ करना है। बाकी अगली टैग वो भी आपने इसी तरह इसको परचेज़ कर लेना है, जो कि $16 में आपको मिंट में मिलेगी। तो $18
तो इसी तरह मुख्तलिफ प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पे इसकी प्राइस दी गई है। तो इसी तरह आपने इसको क्या करना है, मिंट कर लेना है। तो बाकी हम चलते हैं इसकी और क्या क्या तफसील दी गई उसके बारे में बताएंगे, मिंट वगैरह कलेक्शन, वो कलेक्शन हम आपको बता देंगे, कलेक्शन में क्या क्या शामिल है इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो कलेक्शन वगैरह में जाने के बाद हम इसको अर्न किस तरह करना है, अर्न के बारे में बताएंगे आपको, अर्निंग के बारे में भी इसके बताते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको इसकी अर्निंग के बारे में बताएंगे, अर्निंग आपने किस तरह करनी है। तो वैलेट होगा आप इस करने के बाद, आपके पास जो नॉट विड्रॉल अमाउंट होगी वो आपने करना है। यहाँ पे आपको शो होगी विड्रॉल कर सकते हैं स्टॉकिंग के हिसाब से, इन्वाइट फ्रेंड करके प्रॉफिट जो इन्वाइट फ्रेंड का वेलफेयर के हिसाब से आपको यहाँ पे शेयर होता रहेगा। तो आप किस तरह इसके इन्वाइट वगैरह कर सकते हैं, तो इसी तरह आप इसके इन्वाइट वगैरह को भी कर सकते हैं। बाकी हम इसकी टीम में जाएंगे, टीम में इसकी मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करेंगे। तो इसकी टीम को भी हम ओपन कर लेते हैं, जो इसकी टीम में शामिल होगा उसके हम आपको बताएंगे। तो इसकी टीम में रेफरल लिंक वगैरह है, इनवाइट अदर यूज़र टू कैश कॉस्ट यू एट NFT, यू कैन गेट एडिशनल इनविटेशन रिवार्ड विच आर 12% फॉर द डायरेक्ट इनविटेशन एंड 2% फॉर जो इसका रखा गया है 20% फॉर इनडायरेक्ट इनविटेशन विच इज़ वेरी कंसिडरेबल। और आप यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनविटेशन में भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से आप इसको इनविटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेलिब्रेट किस तरह करना है इसके बारे में बताएंगे, तो इसको हम किस तरह इसको परचेज, बाकी यहाँ पे इसका मिनट के मिनट जो वन और टू के बाद एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ गेट किस तरह हमने इसको करना है इसके बारे में बताएंगे। न्यू यूज़र गेट $10 फॉर फ्री व्हेन दे मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ टू मेक मनी। बाकी जो हमने इसके और भी क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमने किस तरह हाउ वी मिंट NFT कार्ड्स एंड हाउ वी प्रॉफिट फ्रॉम द कार्ड वी गेट, हमने इसको किस तरह करना है इसके बारे में बताएंगे, हाउ टू व्यू कार्ड इन अवर कलेक्शन। बाकी जो इसके मिंट होगी सेल होगी वो किस तरह करना है, कार्ड इन ओपन सी में किस तरह हमने इसको परचेज करना है, हाउ टू व्यू अवर फेवरेट कार्ड जो वैलेट में वो किस तरह करना है। बाकी प्रॉफिट कैन यू अर्न पे इन्विटेशन कैश उसके बारे में बता रहे हैं हम जिन्हें यहाँ पे किस तरह जो है ना इन्विटेशन कैश को करना है। बाकी इसी तरह हम इसकी और भी होम पेज में चलते हैं, इसके होम पेज में जाने के बाद हम इसकी मुकम्मल तफसील से आपको और भी आगाह करेंगे। तो इसके साथ हम इसके ट्विटर में चलते हैं, तो इसी तरह बाकी यहाँ पे आपने इसके ट्विटर को फॉलो कर लेना है, ट्विटर में मुकम्मल तफसील मिलेगी इसकी NFT के बारे में भी और भी बहुत सारी तफसीलात आपको इसमें मिलेंगी। अकाउंट आप चेक कर सकते हो, ओपन सी में जाके आप इसको परचेज कर सकते हो, ओपन सी में किस तरह परचेज करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इसकी ओपन सी में जाके आप किस तरह इसको परचेज कर सकते हैं इसकी भी तफसीलात हम आपको देंगे। बाकी यहाँ पे इसकी NFT के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी तफसील है इनकी, देख सकते हैं रेफरल लिंक वगैरह और भी बहुत सारी यहाँ पे इसके बारे में रखा गया है। बाकी यहाँ पे हम इसके डिस्कार्ड में चलते हैं, तो आपने क्या करना है इसके डिस्कार्ड को ज्वाइन कर लेना है, TUD NFT का डिस्कार्ड है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो उसके बारे में, बाकी ओपन सी में किस तरह जाकर परचेज करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी मुकम्मल तफसील यहाँ पे इसकी दी गई ओपन सी में जाकर, इसके कार्ड के बारे में, प्राइसेस के बारे में, एथेरियम में प्राइसेस हैं, एथेरियम करेंसी के साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं, मुकम्मल यहाँ पे इसकी तफसील दी गई है। तो बाकी भी इसी तरह मुकम्मल आप इसका रिव्यू कर सकते हैं TUD NFT के बारे में। तो सबसे पहले आपने किस तरह इसको परचेज करना है, किस तरह आपने इसके बेनिफिट हासिल करने हैं उसके बारे में हमने आपको पहले यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, बाकी ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। आप यहाँ पे $10 की NFT भी हासिल कर सकते हैं, वो आपने किस तरह करना है हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आज का प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।